हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरेमल सॉस की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये कैरेमल आप बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड पुडिंग्स वगैरह में, या फिर जब हम बटर स्कॉच केक बनाते हैं, बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाते हैं, तो आप इन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फैला लेंगे पूरी कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीनी पूरी तरीके से फैली हुई रहेगी तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मैं विस्कर की हेल्प से इसे फैला रही हूँ, और आप 2 मिनट बाद देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, वरना कैरेमल जल सकता है। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही ये काम करना है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सॉल्टेड बटर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर हो तो आप उसमें 1 पिंच नमक ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप फ्रेश क्रीम। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरेमल सॉस थोड़ा सा थिन हो, तो आप इसमें 1/4 कप मिल्क और 1/4 कप फ्रेश क्रीम मिला के इसको डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपको थिन कंसिस्टेंसी इसकी मिलेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा कैरेमल सॉस बिल्कुल बन के रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स। और ठंडा होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, देखा फ्रेंड्स कितना इजी था कैरमल सॉस बनाना। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, और आप इसे बहुत से रेसिपीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।